हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी एक R15 V3 लेके आए हैं जिसमें एग्जॉस्ट लगा है, और ये है एक्चुअली अकरा प्रोविक का फर्स्ट कॉपी एग्जॉस्ट। और इसके ऊपर आप देख सकते हो जो कार्बन फाइबर वाला टच दे रखा है, ऑल दो ये प्लास्टिक हो गया, आई डोंट थिंक सो ये रियल कार्बन फाइबर हो सकता है, बिकॉज ये पार्ट बहुत महंगे होते हैं जो कार्बन फाइबर के होते हैं। बट हाँ, लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत प्रीमियम लग रहा है। और ये एग्जॉस्ट ब्लैक R15 पे अच्छा लग रहा है। और एक्चुअली R15 भी मैट है, एग्जॉस्ट भी मैट है। इसके अलावा इसमें जो ZX10R वाले मिरर्स लगे हैं जिसमें इंडिकेटर्स इनबिल्ट होते हैं, तो आप देख सकते हो ये मिरर्स हैं। हज़ार्ड बाइक में लगा, हज़ार्ड पहले से लगा था, लगवाया हज़ार्ड इसमें पहले से इंस्टॉल्ड था। और बाकी ये वाला जो व्लॉग है ये डेडिकेटेड होने वाला है एग्जॉस्ट पे। मैंने ऑलरेडी इसका जो दूसरा सिल्वर वाला जो कलर है वो ऑर्डर पे दे रखा है RS 200 के लिए। अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बाइक चला के देखते हैं एंड उसके बाद ये व्लॉग एंड करते हैं, चलो। एक और चीज़, इसमें ये लाइट्स भी लगी हुई हैं और ये एक्चुअली दो कलर की जल सकती हैं, वाइट भी जल सकती हैं। वाइट करना ज़रा इसको भाई, वाइट अभी होने, एक्चुअली पानी चला गया। अच्छा, पानी चला गया इसलिए हो नहीं रही है, थोड़ी देर बाद होगी। अच्छा, हो जाती है वैसे। ओके, सही है। R15 V3 लेके विद एग्जॉस्ट, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में बाइक पे ये एग्जॉस्ट। और जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी ऑर्डर पे है, इसका जो सिल्वर वाला कलर है वो मैंने RS के लिए ऑर्डर कर दिया है। मैं तो ऐसा करूँगा कि बिल्कुल आवाज़ ना आए, जो अंडरबेली होता है वो लगा रहेगा, उससे जो मेरा मेन मफलर है बाहर वाला उसको हटा के उसकी जगह ये लगा दूँगा, तो उससे लुक आ जाएगा। और आवाज़ में मुझे लगता है 10-15% से ज़्यादा कोई वो नहीं होगा। और बाकी तो अगर सही बताऊँ तो इस एग्जॉस्ट की आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है, और R15 बिल्कुल भी लाउड नहीं लग रही है एकदम। मतलब जो परफेक्ट स्पॉट होता है R15, वो हमेशा 90% ऑफ द टाइम वो हिट करती है आवाज़ का। फोर्थ गियर में हूँ, डाउन शिफ्ट इनटू थर्ड, बढ़िया आवाज़ आ रही है यार, बहुत बढ़िया आवाज़ आ रही है। भाई ऐसी आवाज़ गूंज रही है ना इसकी, मस्त। और ये वाले मिरर्स भी अभी चेक करते हैं। अरे अंकल, देख के चलाओ, थोड़ा लहरा के अभी। सो फर्स्ट गियर में है और नया फ्लाईओवर भगाते हैं। डाउनशिफ्ट, और जैसे जैसे आप डाउनशिफ्ट कर रहे हो ना, बड़ी सही सी आवाज़ आ रही है, ज़बरदस्त यार। क्या भाग रही है, क्या फील आ रहा है भाई। R15 का बेस्ट पार्ट है कि इसमें आप, मतलब मैंने जैसे कि कहा 90% ऑफ द एग्जॉस्ट अच्छे साउंड करते हैं, अंडरबेली नहीं होती है उसके बाद भी। और RS में उल्टा है, RS में 90% ऑफ द एग्जॉस्ट गंदे साउंड करते हैं, 10% अच्छे कर सकते हैं अगर अंडरबेली लगी है तो। बाकी इसके बाद आई थिंक RS का भी, अगर आपको वीडियो देखना है तो कमेंट करो, RS भी एग्जॉस्ट वाली अपने कॉन्टैक्ट में थी तो ऑलरेडी वीडियो शूट कर चुका हूँ मैं, तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे एडिट करके बस अपलोड करना है, सिंपल एज दैट। और बाकी आज मैंने कहा थोड़ा सा नई साइड पर वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि हमेशा मैं उस साइड चला जाता हूँ बाइक लेके, तो वो रोड इतना ज़्यादा देख चुके होंगे आप लोग व्लॉग में कि बोर हो सकते हो, तो मैंने कहा आज नए साइड चलते हैं। बाकी ये मिरर्स की बात करते हैं। ओ सुपर यार, एडजस्ट करना बहुत ही इजी है और सब कुछ दिख रहा है, मतलब काफ़ी अच्छे से, काफ़ी अच्छे मिरर्स हैं। ऑल्दो आपके आर्म्स भी दिखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका हाथ और आपके आर्म्स दिख रहे हैं, उसके अलावा मिरर्स इतना बड़ा है कि पीछे की रोड भी अच्छे से दिख रही है। और एक्चुअली जो R1 होती है उसमें पता है क्या प्रॉब्लम होती है, उसके जो मिरर्स होते हैं R1 M जो भी आप ले लो, बड़ी बड़ी सुपर बाइक्स, तो उसमें ये इशू है ये वाला कि उसमें जब इंसान बाइक चलाता है तो जो उसके मिरर्स हैं उसमें आपको सिर्फ हाथ दिखते हैं, तो आपको पीछे देखने के लिए ऐसे करना पड़ता है, अपने हाथ ऐसे फोल्ड करने पड़ते हैं तब पीछे का दिखता है। और जो ये वाली R15 है ये बेस्ड है सेम डिज़ाइन पे, तो जो मिरर्स होते हैं उनमें सेम प्रॉब्लम होती है, बट ये वाले जो मिरर्स हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि पीछे के रोड भी बड़ी अच्छे से दिख रही है, और इसमें इनबिल्ट आपके इंडिकेटर्स भी हैं जो कि और अच्छी चीज़ है। तो चलो भगाते हैं, ओ
चेसी है भाई, क्या फील देती है, परफेक्टली डिज़ाइन चेसी है ये। आपको ऐसा रोड का प्रॉपर वाला फील मिलता है कि मज़ा आ जाता है एकदम। और एक बार यहाँ लेफ्ट साइड रुकता हूँ मैं और आपको बाइक के मिरर दिखाता हूँ आगे से। बाकी इस वाली बाइक में अच्छा एग्जॉस्ट तो आपने देख ही लिया है, ये कार्बन वाला जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा कूल और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और बाकी जो बेंड पाइप है वो भी बड़ा ही जैसे टाइटेनियम सा कलर नहीं होता है गर्म होने के बाद, बैंगनी सा, बैंगनी पिंकिश कलर आ रहा है। और ये मैट है, मैट एग्जॉस्ट है, मैट बाइक है, सेक्सी लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसमें फ्रेम स्लाइडर्स भी लगे हैं और इसमें यमहा का लोगो लगा है विच इज़ नाइस, तो काफ़ी जेन्युइन सा लग रहा है देख के ये चीज़। और उसके अलावा ये रहे इसके मिरर्स, बाद में थोड़ा जो स्टिकर्स है इसको इग्नोर कर देना। ये रहे इसके मिरर्स, काफ़ी सही लग रहे हैं। और यहाँ पे भी जो लाइट लगी है ना ये अच्छा है, एक टच लग रहा है देखने में, इतना मिनिमल है पता भी नहीं चल रही और काम भी सही कर रही थी। अभी जब जलाई थी तो मैंने देखी लाइट काम अच्छा कर रही थी। और उसके अलावा फ़ोन होल्डर लगा है, हज़ार्ड फ्लैशर लगे हैं, यही सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं और कुछ तो मुझे नहीं लगता, हाँ बस इतनी चीज़ें हैं। बाकी ये देखो ये उस लाइट का शायद बटन है ऑन ऑफ करने के लिए, देखो जल गई, दिखाता हूँ मैं आपको, ऑन हो गई है वैसे तो, ये देखो। बाकी ये वाली लाइट्स जो हैं ये वाइट भी हो जाती हैं, बट शायद अभी पानी चला गया है इस वजह से ये वाइट हो नहीं रही हैं, दोनों तरफ ही येल्लो जल रही हैं। तो ये एक्चुअली वाइट एंड येल्लो जल जाती हैं, तो फॉग में काफ़ी अच्छा वर्क करने वाली हैं और थोड़ा विजिबिलिटी रहेगी, अगर कोई इंसान आ रहा है सामने से तो आप उसको दिख जाओगे, एटलीस्ट सेफ रहोगे, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। GoPro रोल कर रहा है, कर रहा है, चलो लेट्स गो, फिर से भगाते हैं एक बार। एक्चुअली मैंने एक गियर मिस करा अभी अभी, लिवर थोड़ा सा लूज है बाइक का हल्का सा इस वजह से, बट उस वजह से लिमिटर हिट करा और क्या आवाज़ निकली है एग्जॉस्ट से मैन, सिंगल सिलेंडर में इससे अच्छी आवाज़ आप क्या लोगे, और मतलब ज़बरदस्त आ रही है, वाओ। मतलब जो आवाज़ है वो किसी भी पॉइंट पे चुभ नहीं रही है कानों में। देखो नॉर्मल चल रहा हूँ मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में धीरे धीरे 50 60 40 की स्पीड से, कोई आवाज़ आ तक नहीं रही है। ये देखो बाइक काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो जा रही है, और जब भगा रहा हूँ तो क्या फील आ रहा है भाई। R15 की यही तो एक अच्छी चीज़ है, यही एक अच्छी बात है कि इसमें सारे एग्जॉस्ट सूट करते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ लुक, लुक तो अच्छा है ही है बाइक का, तो एग्जॉस्ट ऑफ कोर्स अच्छे लगते हैं सारे, बट आवाज़ की बात कर रहा हूँ मैं। और बाकी इस वीडियो को एंड करते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, बहुत ही अच्छी पोस्ट आने वाली है। एंड अगर एग्जॉस्ट चाहिए तो डू कॉन्टैक्ट रेस डायनेमिक्स लखनऊ। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, राइड हार्ड, राइड सेफ, बाय।